इंटर में, ट्वेल्थ में, बारहवीं में जी। अब क्या चाहते हो, हम पास थोड़ी करवा दें? वो नहीं बाबा जी, इसके पीछे क्या कारण बाबा जी? एक और है, मेरा माइंड एक रास्ता बंद, माइंड ठीक नहीं रहता है, माइंड ठीक नहीं रहता, और मेरा सोच बार बार बदलते रहता है बाबा जी। मेरा सोच जो है ना अदब तक सोच हो जाता है बाबा। आओ नजदीक, हम बता रहे तुम्हारी क्या हालत है। बहुत उच्चाटित है मन आपका, बहुत परेशान है, जॉब का प्रश्न है, नौकरी नहीं लगनी, व्यापार में ही सफलता मिलेगी, गलत संगत में बीच में फंस गए थे इसलिए विचलित हो गए हैं। इलू इलू चक्कर पूर्णतया बंद कर दो, अब ना पढ़ियो, सो तुम जो है आगे व्यापार में सफल हो जाओ। आशीर्वाद। नाम क्या था उस लड़की का? नीलम। नीलम के द्वारा तंत्र क्रिया की गई है, पति से प्यार प्रेम नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा गुरु जी, आपने किसी को बताया था क्या? नहीं गुरु जी, बिल्कुल भी। गुरु जी मैं आई हूँ, मेरा बेटा एक्सपायर हो गया। मालूम है, ऐसे भारत में बाबाओं की कोई कमी नहीं है, हर बार कोई ना कोई अपनी एक चमत्कारिक शक्तियों के साथ जनता के बीच में आ ही जाते हैं। अभी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की नजर में है, तो एक और बाबा मध्य प्रदेश में ही लोगों की पर्ची निकाल कर अपना जलवा दिखाते हुए नजर आए। चलिए, प्रियंका बहू जेवर लेके गई है, सोना आदि आभूषण लेके गई है, ठीक है, पुत्र शनि को साथ में ले गई है, समस्या का समाधान होगा। और सुनील वर्मा के साथ गई है। सुनील वर्मा के साथ? जी हाँ। ये कौन है? ये नहीं जानता। अरे ये नहीं जानता, पता लगा लेना। अब बेचारे मामा को मोड़ा क्या बनवा दोगे? अब सेटिंग में हो सकता है सेटिंग बिगड़ गई है, नेटवर्क नेटवर्क होता है भाई, मोबाइल चला रहा वो, यदि सेटिंग बिगड़ जाए तो दूसरे नंबर पे चले जाता है। अब तुम लोग तो अर्थ को अनर्थ कर रहे हो, आप लोग पढ़े लिखे हो, बड़े से बड़े महंगे से महंगे सस्ते से सस्ते मोबाइल में सेटिंग का ऑप्शन है, और तुम 5-5.5 रुपए तुम्हारे दिमाग में सेटिंग नहीं है। महाराज जी, दो बच्चियों को भी छोड़ गई है, घर पे दो बच्ची भी छोड़ गई है लड़कियों। चलो भैया हम प्रार्थना कर दे हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। ऐसा भाई बताओ महाराज, चलिए आपके मामा के लड़का का नाम क्या है? रोहतास है? रोहतास। रोहो? रोहतास। चलिए आपके रोहतास के माध्यम से ही सहयोग प्रदान होगा, इसमें चार लोगों ने बहू को बढ़ाने के लिए उसका दिमाग डाइवर्ट किया है, लेकिन सुनील वर्मा का इसमें उल्लेख प्राप्त आया है, और ये रहस्य शीघ्र खुल जाएगा। ये बहू इस समय दिल्ली की मार्ग पर दिखाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं पंडोखर धाम सरकार की, जो मध्य प्रदेश के भोपाल में है। पर्चियां बाबा बागेश्वर सरकार धाम में भी निकलती है और यहाँ पंडोखर सरकार धाम में भी, और दोनों हनुमान जी के नाम से ही पर्चियां निकालते हैं। पंडोखर सरकार धाम का कहना है कि वो 35 साल से पर्चियां निकाल रहे हैं और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अभी उनके सामने बच्चे हैं, इसलिए उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को सीधा सीधा चुनौती दे डाला है। क्या समस्या ले, क्या प्रश्न लेके आए, सब लोग सुन रहे हैं, बताइए। गुरु जी मैं बच्चे की शादी किया था 2018 में जी, तो बहू हमारी 3-4 महीना साथ में रही, इसके बाद वो डिस्टर्ब करना हम लोगों को चालू करी। क्या कर दिया उसने? मतलब हम लोगों को डिस्टर्ब करना चालू करी कि ये हमको मारे हैं, तो इनके इनकी FIR करें, ये अंदर करवाऊं मैं। अब हमने बहू का नाम प्रियंका है? नहीं, तो स्वप्निल। थोड़ी मिस्टेक हो गई भैया, कोई बात नहीं, सुधार लेना। ठीक, क्या लिखा है? सफलता प्राप्त होगी। बहू का नाम क्या है? स्वप्निल तिवारी से परेशान कर रही है, सही नाम है ना? हमें लिखा स्वप्निल तिवारी से परेशान कर रही है आपकी बहू, स्वप्निल परेशान तिवारी से आप लोग परेशान हैं, आप लोग जी है ना जी, आप लोगों को परेशान कर रही है, सुधार होगा। ठीक है, घर में तंत्र बाधा का कारण है, हनुमान जी कृपा से घर में सुख शांति होगी,
मैं गारंटी देता हूं, मैं आपको एक निवेदन भी करूंगा, मैं किसी को तलाक दिलाने की प्रेरणा नहीं देता हूं। मेरा उद्देश्य है कि टूटे हुए घर बनना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। टूटे घरों को जोड़ने का काम पंडोकर सका दरबार करता है। बोलिए क्या बात है, आपने किसी को नाम तो नहीं बताया, किसी को समस्या तो नहीं बताई? थोड़ा नजदीक आ जाओ बहन, ताकि आप पढ़ पाओ। प्रश्न करो, आपका क्या प्रश्न है? मुझे परेशानी है। क्या हो जाता है? बिजनेस बिजनेस होता है तो लॉस हो जाता है। काहे का काम है? फास्ट फूड। और कुछ पूछें जी? क्या जैसे आती रहता है परेशानी, जैसे कि तबियत में बउवा वाला ठीक नहीं रहता, कितना कुछ हो जाता है, दवाई ववाई कोई असर नहीं? चलो हमने ऐसा लिखा, गलत हो तो आप हमें टोक देना, पढ़ते भी जाना। आपके घर में बीमारी की दिक्कत एक ना एक को बनी, दवा काम नहीं कर रही। माइक से बोलो हाँ या ना। हाँ। दवा काम नहीं कर रही, 4 साल से हैरान है, आर्थिक तंगी है, पासपोर्ट के काम में बार बार मध्यम हो जाता है, रुक जाता है, तेज गति के साथ चलेगा। आप अपनी कुल देवी का हवन अपने घर पर करवाएं, कोई भी प्रेत बाधा नहीं है। जाओ 4 मई 2024 के बाद तीव्र गति के साथ आपका व्यापार चलेगा, आशीर्वाद है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि जब दोनों हनुमान जी के नाम से ही समाधान करते हैं तो फिर छोटे और बड़े होने की होड़ कैसे पैदा हो गई, और अगर यह है भी तो दोनों में से कौन बड़े चमत्कारी हैं? क्योंकि सटीकता तो दोनों की है और समाधान भी दोनों के पास एक ही। स्वास्थ्य ठीक रहेगा माता पिता का, हैरान ना हो, सभी मनोकामना पूर्ण होगी, आशीर्वाद है। एवं भाई का जॉब योग बनेगा, दर्शन करवा दें, अभी मन विचलित है, उसका मन विचलित है, बार बार कभी स्पोर्ट्स की तरफ जाना, कभी बिजनेस की तरफ जाना, कभी जॉब करना, उसने 3 लक्ष्य चुन रखे हैं, उसमें नौकरी की तरफ ही वो जावे, सफल हो जाएगा, आशीर्वाद। अब हम कहे दादा बने, बच्चा नाम उसका मंच के माध्यम से मैं नहीं बोलोगे तो काम नहीं होगा, जाओ शादी कैंसिल। सोनम तुम तो कह रहे हम बोलेंगे 4 लाख करे सब सुर नर मुनि सभी एक ही, देवता असुर देव दंड सब ऐश्वर्य, बिगड़ स्वार्थ की कोई बात नहीं करता। लेकिन चलो मैंने लिखा है, सोनम की शादी होने जा रही है अजमेर प्रक्षेत्र के लड़का नितिन से, लेकिन ये संबंध टूटेगा, भविष्य में संबंध आपकी ओर जुड़ेगा। आप स्कूल के दौरान अपने अपनी शिष्या को पटाया? नहीं, शिष्या नहीं। आपके सुनिए मेरी बात सुनिए, तुम कह रहे शिष्या नहीं है, आप स्कूल में पढ़ाते लिखाते थे? पढ़ाता था, ये टीचर थी। तो बात तो तुम्हारी प्रधान नहीं गई, मास्टर नहीं गई, गलत के थे मास्टर, शादी कहीं से गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा सुनिए, आप देखिए पढ़े लिखे हो, बताओ शिष्या कहां लिखा, ये तो मास्क की जीव पकड़ के दिखाओ। नहीं लिखा, फिर आप पढ़िए क्या लिखा है, सह पाठी से की, सह पाठी माने साथ कार्यरत रहने, साथ कार्य करने वाली, क्या कलम चलाई? और सुनो, ये भविष्य में पुनरावृत्ति होगी, ऐसा योग है। लेकिन आप घर में जाके बोलें, उस बेटी को भी बुलवाना चाहिए कि किसी का परवान ना बिगाड़े, क्योंकि भविष्य में ये तुम्हारे पास ही आएगी, ऐसा योग बन रहा है। आप वहां जाके प्रस्ताव रखें और उसको भी रखें, क्योंकि शादी होगी तो आपसे ही अंतिम जीवन साथ आपके साथ होगा, ऐसा योग है। फैसला जनता के हाथ में है।